दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हाँ दोस्तों, अपन जोधपुर महाराजा अभय सिंह जी के शासन की बात कर रहे थे और उसी समय एक अप्रिय घटना घटित हुई मारवाड़ के अंदर, जो कि आने वाली सदी के लिए भी एक अग्रगणी का काम किया। खेजड़ली नरसंहार जो कि सितंबर 1730 के अंदर जोधपुर के अंदर हुआ, जिसके अंदर 363 विश्नोई समाज के लोग मारे गए। सैनिकों को मारवाड़ के राजा अभय सिंह ने नए महल के निर्माण के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए खेजड़ली गांव में पेड़ काटने के लिए भेजा था और ये हत्याएं उनके मंत्री गिरधरदास भंडारी के नाम पर की गई, उसका ही आदेश था। और उसका दीर्घकालिक प्रभाव यह पड़ा कि बाद में 20वीं सदी के चिपको आंदोलन, जो कि उत्तराखंड में था, चिपको आंदोलन के अग्रदूत के रूप में खेजड़ली नरसंहार को लिया गया। खेजड़ली के अंदर वहाँ पर अब 363 लोगों की स्मृति में एक स्मारक भी बनाया गया है। बताया जाता है कि उस समय वृक्षों की कटाई के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी महल बनाने के लिए, कुछ और अन्य कारण भी बताते हैं। 1726 में मारवाड़ के अभय सिंह ने खेजड़ली गांव पर नियंत्रण हासिल कर लिया। मारवाड़ के अभय सिंह ने खेजड़ली की संपत्ति ठाकुर सूरत सिंह को दे दी। ठाकुर सूरत सिंह खेजड़ली के पहले ठाकुर बने थे। राजस्थान में जलनादिया खेजड़ली जिला जोधपुर के नाम से भी जाना जाता है। 1730 में उन्होंने अपने एक मंत्री गिरधर भंडारी को नए महल के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी इकट्ठा करने के लिए भेजा। कुछ स्रोतों में रिपोर्ट है कि महल के निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, जबकि अन्य का कहना था कि किसी और काम के लिए, अर्थात मारवाड़ का इरादा चूना बनाने के लिए पेड़ों को जलाने का था। इच्छित उद्देश्य के बावजूद भंडारी और उनके सैनिकों का दल जेहनाद पहुँचे, जहाँ उन्होंने गांव के पेड़ों तक पहुँच की मांग की। अमृता देवी बिश्नोई नामक महिला के नेतृत्व में ग्रामीणों ने राज के सैनिकों को अपने पेड़ सौंपने से इनकार कर दिया। अब अमृता ने कहा कि खेजड़ी के पेड़ बिश्नोई लोगों के लिए पवित्र थे और उनका विश्वास उनके पेड़ों की अनुमति देने से रोकता था, अर्थात कुल मिलाकर काटना कैंसिल करना ही पड़ेगा। अब दोनों पक्ष आपस में अड़ गए, स्थिति बिगड़ गई। मारवान पक्ष ने रिश्वत के बदले गांव में खेजड़ी के पेड़ों को अकेला छोड़ने की पेशकश की। हालांकि विश्नोई मूल्यों के घोर अपमान के रूप में देखा गया और अमृता देवी ने घोषणा की कि वह पेड़ों को काटने की अनुमति देने की बजाय मरना पसंद करेंगी। वह और उनका परिवार खेजड़ियों को गले लगाने लगे और पेड़ों को अपने शरीर से ढकने लगे। फटकार से क्रोधित होकर मारवानों ने पेड़ों को काटना शुरू करने से पहले अमृता देवी और उनकी तीन बेटियों का सर काट दिया। अमृता के अंतिम सर, जिस प्रकार कहा गया है, कटे हुए पेड़ की तुलना में कटा हुआ सिर सस्ता है। सर साटे रोक रहे तो भी सौदो सस्तो जान, मारवाड़ी में ऐसी कहावत के रूप में दर्ज है और ये दोहा बन चुका है। और इस प्रकार जब यह सूचना आमजन के अंदर, विश्नोई आबादी के अंदर फैली तो 83 गांवों के विश्नोई पेड़ों को बचाने के लिए जेहनाद गांव की यात्रा करने लगे और स्थिति निर्धारित करने के लिए एक परिषद बुलाई गई और खेजड़ियों से सारे लिपट कर एक एक करके मारे गए। और बताया जाता है कि कुल मिलाकर 363 विश्नोइयों ने पेड़ों की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। और विश्नोइयों के इस निष्क्रिय प्रतिरोध से हैरान होकर अभय सिंह ने अपने लोगों को वापस बुलाया और अपने मंत्री के कार्यों के लिए माफ़ी मांगने के लिए व्यक्तिगत रूप से उस गांव की यात्रा की। उन्होंने आदेश दिया कि गांव को फिर कभी राज्य के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। बाद में गांव का नाम बदलकर खेजड़ली ही कर दिया गया। अब यह नरसंहार स्थल बिश्नोई आस्था का तीर्थ भी बन चुका था। धन्य है और नमन है ऐसी शहीदी को जिसने पर्यावरण की रक्षा के लिए जान दे दी। और इस प्रकार यह 20वीं सदी के अंदर उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के, सुंदरलाल बहुगुणा के आंदोलन के अग्रदूत के रूप में भी इस आंदोलन ने काम किया था। यह अभय सिंह जी के जीवन की एक मुख्य घटना में से आती थी, इसलिए हमने आपको इसके बारे में अवगत कराया। और कुछ सुधार हेतु आवश्यक उद्देश्य हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।